वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल SBSP अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले आर्डिनो एंड आर्डिनो आईडी के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्डिनो के बारे में, उसके बाद बात करेंगे आर्डिनो आईडी के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं आर्डिनो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो आर्डिनो बोर्ड एक छोटा सा CPU होता है जिसमें एक चिप लगी होती है। हम इस चिप में अपना प्रोग्राम अपलोड कर इसकी पिंस को अपने तरीके से इनपुट या आउटपुट में सेट करके मनचाही डिवाइस से कनेक्ट करके उसे कंट्रोल या हैक करके मनचाहा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गई आर्डिनो की सिंपल भाषा। तो फ्रेंड्स, इसमें नीचे दिया गया है, आर्डिनो एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म है। तो फ्रेंड्स, जो आर्डिनो है वो एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म है जो उपयोग में आसान सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ऑफर करता है। फ्रेंड्स, आर्डिनो के उपयोग से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ऑफर हो जाते हैं। आर्डिनो ओपन सोर्स बोर्ड आर्डिनो आईडी पे आर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा आप कुछ भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो आर्डिनो होता है उसमें मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं। नंबर वन, हार्डवेयर। फ्रेंड्स, जो हार्डवेयर होता है वो प्रोग्रामिंग का फिजिकल मूवमेंट देखने के लिए हम हार्डवेयर का इस्तेमाल करते हैं। और सेकंड होता है सॉफ्टवेयर। फ्रेंड्स, जो सॉफ्टवेयर होता है वो प्रोग्रामिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा आर्डिनो। अब बात कर लेते हैं आर्डिनो आईडी के बारे में। आर्डिनो आईडी क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आर्डिनो आईडी के बारे में सिंपल भाषा में कहें तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। फ्रेंड्स, जो आर्डिनो आईडी में जो आईडी है इसके उपयोग से ही हम सभी लोग आर्डिनो में कोड कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसमें बताया गया है। आर्डिनो आईडी का मतलब है आर्डिनो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। फ्रेंड्स, जो आर्डिनो आईडी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आईडी के उपयोग से ही हम लोग आर्डिनो को कोड कर पाते हैं। फ्रेंड्स, जो आर्डिनो आईडी में आईडी होता है उसके उपयोग से ही हम लोग आर्डिनो में कोडिंग कर पाते हैं और आईडी के मदद से ही आर्डिनो में कोड अपलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें नीचे बताया गया है आर्डिनो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आर्डिनो सॉफ्टवेयर आपको प्रोग्राम लिखने और उन्हें अपने बोर्ड पर अपलोड करने की अनुमति देता है। फ्रेंड्स, जो आर्डिनो आईडी होता है वो प्रोग्राम लिखने और उन्हें अपने बोर्ड पर अपलोड करने की परमिशन देता है। और फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है आर्डिनो आईडी में कोड लिखने के लिए एक टेक्स्ट एडिटर होता है जिस पर हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। फ्रेंड्स, जो आर्डिनो आईडी है उस पर कोड लिखने के लिए उसमें एक टेक्स्ट एडिटर होता है जिस पर हम सभी लोग अपना प्रोग्राम लिखते हैं। आर्डिनो आईडीई क्रॉस प्लेटफॉर्म है जिसका अर्थ है कि आप अपने विंडोज, मैकिंटोस, OS X और अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी चला सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें नीचे बताया गया है इस सॉफ्टवेयर का उपयोग आर्डिनो के किसी भी बोर्ड के साथ किया जा सकता है। फ्रेंड्स, जो ये सॉफ्टवेयर होता है उसका उपयोग आर्डिनो के किसी भी बोर्ड पर भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें नीचे बताया गया आर्डिनो पर प्रोग्राम लिखने के लिए आपको सी या C++ की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। फ्रेंड, जो आर्डिनो है उस पर जो प्रोग्राम लिखा जाता है वो सी या C++ लैंग्वेज में लिखा जाता है, इसीलिए आपको सी और C++ लैंग्वेज की जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। जब आप अपना कोड लिखकर समाप्त कर लेते हैं तब आप बटन एक क्लिक के साथ अपने कोड को आसानी से अपने केबल की सहायता से आर्डिनो बोर्ड पर लोड कर सकते हैं। जैसे ही आपका प्रोग्राम आर्डिनो बोर्ड पर अपलोड होगा आपका प्रोजेक्ट काम करना स्टार्ट कर देगा। फ्रेंड, जो आर्डिनो बोर्ड है उस पर जब कोडिंग अपलोड हो जाएगी तब आपका प्रोजेक्ट कार्य करना स्टार्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा आर्डिनो और आर्डिनो आईडी। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।